सो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों हमारा रिवीजन चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारा रिवीजन चल रहा है, ठीक है। फंडामेंटल और सॉइल साइंस का एग्जाम आने वाला है, तो रिवीजन मैं आप लोगों का करवा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सर्वप्रथम सॉइल प्रोफाइल के बारे में देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही हमारा एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो 10 नंबर से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम आप लोगों को सॉइल प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। सॉइल प्रोफाइल को हिंदी में बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका, ठीक है, या फिर मृदा रूपरेखा, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल के सिंपल से भाषा में देखा जाए तो सॉइल प्रोफाइल को 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। इसके बारे में भी देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसके में थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल इसका क्या है। तो इसमें देखिए, मृदा में पाई जाने वाली समानांतर सतहें, यदि आप मृदा, जैसे हमारी मृदा है, ऊपरी हमारी मृदा है, ठीक है, इसको जब आप खोद कर देखेंगे तो इसमें 4 प्रकार से डिवाइडेड ऐसे परत दिखाई देंगी। प्रथम परत क्या रहेगा हमारा, ए संसद कहलाएगा, ठीक है, बी संसद, सी संसद, ओ संसद कहलाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए, जब एक निश्चित गहराई तक खोदी जाती है, ठीक है, इसमें तब वह मृदा रूपरेखा कहलाती है। इसी प्रकार से क्या कहलाती है, मृदा रूपरेखा कहलाती है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, अगला हमारा क्या है। तो अगला हमारा आता है, यह मृदा भूतकाल या वर्तमान दशाओं को व्यक्त करती है विभिन्न प्रोफाइल परतें जो अस्पष्ट दिखाई देती हैं, जिन्हें विश्लेषण के द्वारा पहचाना जा सकता है, उन्हें संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें संस्तर कहते हैं। अब इसमें देखिए, अध्ययन की सुविधा हेतु इन्हें 5 उपसंस्तरों में विभाजित किया गया है। 4 उपसंस्तरों में विभाजित किया गया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी नेक्स्ट में, ठीक है। पर पहला हमारा आता है ओ होरिजन्स, यानी कि ओ संस्तर हमारा, ठीक है। इसमें कार्बनिक संस्तर सम्मिलित होते हैं जो मृदा की ऊपरी सतह बनाते हैं। जो ओ संस्तर होते हैं, ओ होरिजन्स होते हैं, वो मृदा की ऊपरी सतह बनाते हैं। इसमें कार्बनिक संस्तर सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक संस्तर सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, जंतुओं के अवशेषों के परिणाम हेतु इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला ओ आई, ठीक है, दूसरा ओ ई, तीसरा हमारा अभी देख लेते हैं, ठीक है। यह कार्बनिक संस्तर है, पहला ओ आई देख लेते हैं। तो यह कार्बनिक संस्तर है जिसमें पादप एवं जंतुओं के अवशेष मूल रूपों में पाए जाते हैं। पादप एवं जंतुओं के अवशेष मूल रूपों में पाए जाते हैं। दूसरा ओ ई संस्तर, अब इसमें यह कार्बनिक संस्तर है जिसमें अवशेष पदार्थ बीच बीच में विच्छेदित हो जाते हैं। मतलब विच्छेदित का मतलब क्या होता है, जैसे पादप है, अवशेष है, जंतु अवशेष है, तो इसमें बीच बीच में जगह खाली रहेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका आता है ओ ई संस्तर, अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ये कार्बनिक संस्तर है जिनमें अवशेष पदार्थ पूर्ण रूप से विच्छेदित अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से विच्छेदित अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ए होरिजन्स, सेकंड आपका क्या है हमारा, ओ ए होरिजन्स, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं ए संस्तर के बारे में, ये संस्तर खनिज या मिनरल होते हैं जो पृष्ठ के बिल्कुल नीचे स्थित होते हैं, यानी कि हमारी जो भूमि है, जो ऊपरी भूमि की जो सतह है उसके जस्ट नीचे हल्के से ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें अपेक्षित रूप से विक्षेपित कार्बनिक पदार्थ खनिज पदार्थ के साथ निर्मित रहते हैं, ठीक है। खनिज एवं कार्बनिक पदार्थ के इनका रंग गहरे रंग का होता है। नेक्स्ट आपका आता है ई होरिजन, इस संस्तर में क्ले आयरन कमी होती है, ठीक है, इस संस्तर में क्ले और आयरन और एल्यूमिनियम की कमी होती है। इसके फल स्वरूप ठीक है, वसीलट कणों की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट आपका आता है बी होरिजन्स, तो बी होरिजन्स इसमें देख लेते हैं, इसे निक्षेपण संस्तर भी कहते हैं। ओ ए ई संस्तर के नीचे उपस्थित होते हैं, इसमें मुख्य रूप से मूल चट्टानों की संरचनाएँ परिवर्तित रूप में उपस्थित रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सी होरिजन, तो देखिए सी होरिजन के बारे में देख लीजिए, यह सोलम के नीचे स्थित होती है, यानी कि फर्श के नीचे स्थित होती है। इसमें जैविक क्रियाएं नहीं होती है, ठीक है, इसमें जैविक क्रियाएं नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, जो जैविक क्रियाएं में क्या होता है,
जैसे हमारा कोई फर्टिलाइजर ठीक है डाल रहे हो खेत में, तो यह क्रिया इसमें नहीं होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है आर होरिजोन्स। आर संस्कृत अपेक्षित रूप से चट्टानों की परत को दर्शाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया गया है। इसमें एक प्लांट है, जो प्लांट हमारा उग रहा है। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप लोग एक प्लांट हमारा है यह। ठीक है, और यह प्लांट उग रहा है हमारा। पहला संस्तर ओ संस्तर रहेगा, दूसरा ए, तीसरा ई, ठीक है, चौथा हमारा बी और पांचवा हमारा सी। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद देखेंगे मृदा के भौतिक गुण, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। मिट्टी के भौतिक गुण पौधों के वृद्धि के प्रति उसके इसके उपयोग के लिए और व्यवहार को बहुत प्रभावित करते हैं। जैसे प्लांट सपोर्ट, पौधों का समर्थन, रूट पेनिट्रेशंस यानी जड़ दंशनाशक। अगला है ड्रेनेज यानी कि जल निकास। ठीक है, पानी रोकने की क्षमता तथा पौधे के पोषक तत्व मिट्टी के भौतिक स्थिति से जुड़े होते हैं। मिट्टी के भौतिक गुण उसके कणों के आकार, मात्रा, व्यवस्था एवं खनिज संरचना पर निर्भर करते हैं। मिट्टी के महत्वपूर्ण गुण हैं कौन कौन से, पता है, सॉइल टेक्सचर। ठीक है, मिट्टी की बनावट। सेकंड आपका सॉइल स्ट्रक्चर, मिट्टी की संरचना। थर्ड आपका सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र। चौथा नंबर है सॉइल डेंसिटी, मिट्टी का महत्व सॉरी घनत्व। पांचवा है सॉइल पोरोसिटी, तो मिट्टी की संरचना। ठीक है, संरचना। और छठवा हमारा है सॉइल कलर, मृदा रंग। ठीक है, इसके बाद सातवां आपका सॉइल कंसिस्टेंसी यानी मिट्टी की स्थिरता। तो पहला क्या था, मिट्टी की बनावट, मिट्टी की संरचना। दूसरा था, तीसरा सतह क्षेत्र था। चौथा हमारा क्या था, मिट्टी का घनत्व था। पांचवा हमारा मिट्टी की संरचना थी। छठवां मृदा रंग था। सातवां हमारा मिट्टी की स्थिरता थी। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका था सॉइल टेक्सचर, मिट्टी की बनावट। क्या आता है मिट्टी की बनावट, तो देखिए मिट्टी की बनावट को रेत, सेंड, ठीक है, खाद सॉरी गाद यानी सिल्ट, और चिकनी मिट्टी के सापेक्ष, ठीक है, अनुपात में परिभाषित किया जाता है। इसमें तीन अलग अलग व्यास श्रेणियाँ हैं। पहली कौन सी श्रेणी है हमारा, डिमीटर रेंज यानी व्यास सीमा। तो देखिए जो सेंड होती है उसका हम आकार सर्वप्रथम देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आकार में क्या क्या पूछा जाता है। इसमें देख लीजिए सॉइल सेपरेट, तो वेरी कोर्स सेंड है। इसमें देख लेते हैं तो 1 से 2 mm का होता है, मिलीमीटर का होता है। ठीक है, और सेकेंड आपका आता है कोर्स सेंड, तो कोर्स सेंड की मैं बात करूँ तो 0.5 से 1 mm होता है। ठीक है, मीडियम सेंड की मैं बात करूँ तो मीडियम सेंड का जो आकार होता है वह 0.25 से 0.5 mm का होता है। नेक्स्ट आपका आता है फाइन सेंड, तो फाइन सेंड की मैं बात करूँ तो 0.1 से 0.25 mm होता है। नेक्स्ट आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑफ सॉइल, मृदा की विशेषताएं। तो देखिए मृदा की विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड पे आपका आता है पार्ट पर। तो देखिए पहले विजिबिलिटी के अनुसार देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें दिया गया है। तो सर्वप्रथम विजिबिलिटी के बारे में देखेंगे, तो जो सेंड हमारा होता है विजिबिलिटी मैक ई, सेट की मैं बात करूँ तो नॉट क्लैंडिसिन। ठीक है, इसके बाद क्ले की मैं बात करूँ तो देखिए क्ले में विजिबल यानी विजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है दूसरा साइज ऑफ पॉलिश, तो सॉइल ऑफ पॉलिश की मैं बात करूँ तो लार्ज होता है। सिल्ट की मैं बात करूँ तो मीडियम होता है, और क्ले की मैं बात करूँ तो माइक्रो होता है। नेक्स्ट आपका आता है एरेक्शंस, एरेक्शंस की मैं बात करूँ तो वेरी रिपीट होता है, और सिल्ट की मैं बात करूँ तो मीडियम होता है, और क्ले में स्लो होता है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका आता है वाटर हेल्पिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए लो होता है सेंड में, और सिल्ट की मैं बात करूँ तो मीडियम होता है, और क्ले में हाईएस्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर। इसके बाद देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टेक्सचर, मिट्टी की बनावट का
क्रम, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, मिट्टी की बनावट मिट्टी के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है, ठीक है, मिट्टी की बनावट। और यह भूमि उपयोग एवं प्रबंध को बहुत प्रभावित करती है, ठीक है। यह पानी और पोषक तत्व की मात्रा को प्रभावित करती है, यह पानी एवं पोषक तत्व की मात्रा को प्रभावित करती हैं। एक मिट्टी पौधों को धारण कैसे करती हैं तथा जल की आपूर्ति कैसे करती हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं। इसके बाद सेकंड आपका सॉयल स्ट्रक्चर, मृदा की संरचना। तो मोस्टली इम्पोर्टेंट हमारा मृदा की संरचना। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले मृदा संरचना में प्राथमिक और द्वितीय कणों की व्यवस्था और संगठन को मृदा संरचना कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मृदा टाइप्स ऑफ सॉयल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना के संरचना के प्रकार, ठीक है, संरचना के प्रकार। तो इसमें दिया गया है ग्लैंडुलर, ठीक है, ब्लॉकी, ठीक है, इसके बाद प्रिज्मेटिक, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया गया स्ट्रक्चर दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। नेक्स्ट आपका आता है मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। मोस्टली इम्पोर्टेंट है मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट है जलवायु। तो क्लाइमेट, वर्षा, आंधी जैसे जलवायुवीय कारकों के होने से, ठीक है, होने से पृष्ठ सतह से समुच्चय बहुत कम हो जाता है, जो कि मृदा संरचना को प्रभावित करती है। दूसरा तो कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। कार्बनिक पदार्थ कड़की रूप में पाए जाते हैं मृदा में, एक कड़की रूप में पाए जाते हैं मृदा में। कार्बनिक संरचना में एवं गुण में परिवर्तन आ जाता है, मृदा में जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, इस कारण यह मृदा में बंधक कारक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आपका आता है भीगने तथा सुखाने की क्रिया का प्रभाव। भीगने तथा सुखाने की क्रिया का प्रभाव से मृदा संघनित तथा अधिक बल से, ठीक है, जुड़े हुए मृदा दल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर दानेदार बन जाते हैं। पौधे मृदा संरचना को विभिन्न प्रकार प्रभावित करते हैं। पौधे के तने तथा हवा तथा पानी के प्रहार से मृदा, ठीक है, प्रहार से मृदा संरचना की सुरक्षा करते हैं। पौधों की जड़ों से विभिन्न प्रकार के पदार्थ स्वादिष्ट, ठीक है, होते हैं, जो मृदा कणों को बांध कर, ठीक है, उनकी संरचना को प्रभावित होने से बचाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मृदा जीवन। तो सॉइल ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लेते हैं। मृदा जीवन, मृदा में उपस्थित बड़े जीव जैसे केचुए मृदा को खोद कर पलट कर, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों को भली भांति मिलाकर मृदा समुच्चय में सहायक होते हैं, यानी कि मृदा ऑर्गेनिज्म में सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जुताई गुड़ाई आदि क्रियाओं का प्रभाव। तो देखिए जुताई गुड़ाई तथा आदि क्रियाओं से मृदा के खनिज पदार्थ भली भांति मिलाए जाते हैं, जिससे मृदा में एक रूपता आ जाती है। अत्यधिक जुताई गुड़ाई, भारी मशीनों का प्रयोग, पशुओं द्वारा अधिक चराई, अधिक नमी या शुष्क दशाओं में मृदा समुच्चय नष्ट हो जाती है। इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर। अगला वीडियो हमारा इसके ऊपर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।